अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सदाकत मिनास बहावलपुर से, आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। मैं एक थोड़े से नफसियाती पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ। ज़रात को लेकर अगर कोई बात की जाती है तो उसको कदामत परस्त ज़हन बहुत सारी बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। बड़े मसले मसाइल हैं, तो इशूज़ फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं कि अगर तो वो बड़ी उम्र का आदमी है, वो ज़िम्मेदार है या जद्दी कुश्ती ज़िम्मेदार है, तो फिर वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई नया आदमी कोई नई चीज़ लेके आ रही, कोई तब्दीली की बात कर रहा हो, बिल्कुल हज़म नहीं होती, वो सुनना नहीं चाहते बात को। आप बात शुरू करते हैं जी ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है, कहेंगे जी हम ये करते हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हमने ये देखा, हमारे बाप ने ऐसा किया, हमारे दादा ने ऐसा किया, तो ये बड़े मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। एंड ऑफ द डे दे सीम टू बी कन्विंस्ड, नज़र आते हैं मुतमईन होते हुए, लेकिन शुरू में बहस भरी करते हैं, अना का मसला बना लेते हैं, ज़िद कर लेते हैं कि यार, फिर उन्हें कहना पड़ता है कि आप जो भी करें गलत है, आप ख़र्चा पूरा नहीं कर पा रहे, देर इज़ समथिंग समवेयर रॉन्ग। तो उसको सीखो भाई, हौसला पैदा करो, बात तो पूरी सुन लो, उसी में सवाल पूछना शुरू कर दें ये कैसे हुआ। अगर वो तहम्मुल से कोई बात सुने पूरी, उसका फ़ायदा ये होगा कि उनके बहुत सारे सवालों का जवाब भी उसी में आ जाता है, उस गुफ्तगू में, उस मालूमात देने में, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो बहरहाल मैं वन टू वन भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मिलता भी रहूँगा, मेरी कोशिश है उन्हें कन्विंस किया जाए, उन्हें बताया जाए अफादियत के भाई कुदरती काश्तकारी में बड़े फ़ायदे हैं और अच्छा कुछ अच्छा होने वाला आप लोगों के लिए। आपके जो फ़ी एकड़ अखराज 15,000 रुपये बड़ी आसानी से बचाए जा सकते हैं हर एकड़ के, तो ये आपकी सेविंग है, यही आपका प्रॉफिट है जो आप इतने पैसे बचा लें कुदरती काश्तकारी के तरीक़ों से। पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी में आके आप कम से कम भी 12-15,000 रुपये महीने का एक एकड़ का ख़र्चा बचा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें लाने वाला है किसान के लिए, गरीब के लिए, आम लोगों के लिए, बड़े ज़िम्मेदार के लिए भी फ़ायदा है। तो बस ये है कि कुदरती तरीके से ज़मीन को, मिट्टी को ज़िंदा करना है। तब ज़िंदा मिट्टी नरम होती है, उसमें तो घास की जड़ें भी 4-4.5 फुट की हो जाती हैं। अब हर काश्तकार से मैंने पूछा, हाँ जी बताएं गंदम की जड़ कितनी ज़मीन तक जाती है, वो तो 2-3 इंच हार्डली, तो कुदरती निज़ामी काश्तकारी में 6-7 इंच से ऊपर चली जाती है। जड़ पे काम करना है, जड़ को मजबूत करना है, उसको फैलाना है, उसी से खुराक जाएगी पौधे को और उसमें परवान चढ़ना होता है, फसल में ताकत होती है, उसके बीज में, फल में ताकत होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, एक नफसियाती पहलू ज़रूर है, सीखना होगा, सोशियो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो सोशियोलॉजी है, कुछ साइकोलॉजी है, तो ये चीज़ें आड़े आ रही हैं। सिर्फ एक टेक्निकल मसला ही नहीं होता, बात सुनने के लिए कोई तैयार होगा तो आप उसको टेक्निकल मशवरा देंगे, हदायत और रहनुमाई करेंगे, उसकी कोई चीज़ लेने के लिए तैयार हो। फिर तंगा को मुझे ये भी कहना पड़ता कि आप भले मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हों, आपकी उम्र भी मुझसे ज़्यादा होगी, मगर आप आर्जी तौर पर अगर कुछ चीज़ लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा नीचे होकर सोचें। पानी हमेशा, इल्म जो है पानी की तरह होता है, ये बुलंदी से नीचे की तरफ बहता है, तभी आप कुछ ले पाएंगे। जब आप अपने आप को वक्ती तौर पे थोड़ा कम समझेंगे कि मुझे नहीं पता, उन्हें पूछता हूँ, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कुछ गिना नहीं है, मैंने कहा इसमें कोई नई बात नहीं है। जब बात नहीं है तो फिर तो आपको उस पर यकीन भी करना चाहिए। तो बड़ा तजाद है, बड़ा कंट्रडिक्शन है, बहुत चीज़ें फंस रही होती हैं। तो बहरहाल हर अच्छे काम में रुकावटें होती हैं, उसके लिए हम स्ट्रगल करें, मनफी क्रिटिसिज्म भी आ जाता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। वो कहते हैं ना, क्रैप से आपने बचना होता है, क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, एडवर्सिटी और प्रेजुडिस, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है कि प्लीज़ लोग इन चीज़ों को ज़रा कम करें, ये देखें कि क्या कह रहा है, ये ना देखें कौन कह रहा है, तो तब आप सीखने की अपने अंदर कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पैदा कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।